हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रोहतक में भाजपा कार्यालय में युवा सदस्यता समारोह का आयोजन किया गया। भाजपा कार्यालय मंगल कमल में युवा सदस्यता कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली और प्रभारी सतीश पूनिया ने शिरकत की। इस युवा सदस्यता कार्यक्रम में एबीवीपी के प्रदेश भर से आए 1000 छात्र छात्राओं को भाजपा में शामिल किया गया। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विभव बिश्नोई और उपाध्यक्ष परीक्षित धैया, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र अध्यक्ष भी रहे हैं, का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने पार्टी ज्वाइन करने पर स्वागत किया और उनको राजनीति में आने पर बधाई भी दी। रोहतक से हमारे संवाददाता विकास होल्याण की रिपोर्ट। का भारतीय जनता पार्टी परिवार में दिल खोल करके बहुत बहुत स्वागत और आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये मेरे लिए खुशी की बात है। आज आप लोगों ने एक ऐसे विचार के साथ जुड़ रहे हैं जिस विचार को लेकर के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारत को दुनिया में अग्रणी देशों के अंदर ला करके खड़ा करने का बहुत कम समय के अंदर कार्य किया है। भाइयों, आप ऐसे विचार के साथ जुड़ रहे हैं जिसका विचार और जिसके कार्यकर्ता दुनिया में सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता इस पार्टी के अंदर है, उस विचार के साथ आप लोग जुड़ रहे हैं। मैं आप सबका आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूं। भाइयों, हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगातार युवाओं के सम्मान को बढ़ाने का काम ये पिछले 10 वर्षों में ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये खुशी है आज आप लोगों के बीच में ये बताते हुए कि मैं जब गांव के अंदर कार्यक्रम के लिए जाता हूं तो गांव का युवा निकल करके बोलता है कि हम आपकी पार्टी को इसलिए समर्थन करते हैं कि आपकी सरकार में पहली बार युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम ये आपकी सरकार कर रही है। भाइयों, मैं यह भी देखता था 2014 से पहले मेरे प्रदेश का युवा हताश हो चुका था, निराश हो चुका था। भाइयों, जब हताश और निराश हो गया था क्योंकि हम देखते थे कांग्रेस की लंबे समय 10 वर्षों तक कंटिन्यूटी में सरकार हरियाणा प्रदेश में रही और 10 वर्षों के अंदर युवाओं को इस्तेमाल किया गया, उनके हित के लिए कदम नहीं उठे हैं। परंतु जब हम देखते हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारी डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, भाइयों, हर पड़ाव के ऊपर युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आज युवाओं का इन 10 वर्षों में जो विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है, भाइयों, इस बात की चर्चा मेरे हरियाणा प्रदेश का युवा करता है। भाइयों, मुझे खुशी है यह हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक की योजना लाई हो, युवाओं को उनको पैरों पर खड़ा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, जब हम देखते हैं हमारी सरकार ने स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, हमारे जो स्टार्टअप युवा हैं जिन्होंने काम शुरू किया आज यूनिकॉर्न में तब्दील कर दिया, ये हमारे युवा की ही ताकत है, उसकी ही ये शक्ति है कि आज
देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। भाइयों, उसको मैं लेकर के आज सभी युवाओं को मैं बधाई भी देता हूं। मैंने हरियाणा के अंदर अभी पिछले दिनों में 10 वर्षों में हमारी सरकार ने युवाओं के जो विश्वास खो चुके थे, जो युवा नौकरी के लिए विधायक मंत्री के चक्कर काटता था, नौकरी नहीं मिलती थी, और नौकरी भी अगर किसी को मिल जाती थी उसके लिए पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती थी, तब जाकर के उसको नौकरी लगती थी। गरीब परिवार का बेटा वह नौकरी के लिए सरकार से बहुत दूर रहता था, परंतु इस व्यवस्था का परिवर्तन करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज मुझे ये बड़ी खुशी है जब मैं ये हरियाणा प्रदेश के अंदर देखता हूँ कि आज हमारा युवा किसी विधायक मंत्री के चक्कर काटता हुआ दिखाई नहीं देता। अगर वो चक्कर काटता है तो कोचिंग सेंटर के चक्कर काटता हुआ दिखाई देता है। आज मुझे ये भी खुशी है कि हरियाणा सरकार के अंदर आज बिना पर्ची खर्ची के एक गरीब परिवार का बेटा हरियाणा सरकार में SC अधिकारी लग रहा है। भाइयों, ये विश्वास युवाओं के अंदर अगर देने का काम किसी सरकार ने किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं के अंदर एक बड़ा विश्वास बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हम देखते हैं, हमने हरियाणा के अंदर चाहे युवाओं को कौशल, उनको ट्रेनिंग दे करके, उनको कौशल में निपुण करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया है, और उनको कहीं ना कहीं बैंक के साथ जोड़ करके कि वो अपना कार्य शुरू कर सके, उसको लेकर के भी सरकार निरंतर युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और आप सबको बधाई देता हूँ, ये चुनाव का समय है और ऐसे चुनाव के समय में आप सब पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबको पार्टी में पूरा मान सम्मान देते हुए आपकी पूरी राजनीतिक भागीदारी, जो भारतीय जनता पार्टी के विचार से आप जुड़ने के लिए आए हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको पूरे मान सम्मान के साथ पार्टी में उचित महत्व देते हुए भारतीय जनता पार्टी का जो प्लेटफॉर्म आपने चुना है इसमें पूरा काम करने का आपको मौका मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का मूल मंत्र है सेवा ही संगठन, उसी प्रकार से आपको काम करने का मौका मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प हम सबको दिलवाया कि देश 2047 में विकसित राष्ट्र बने, उसमें अहम भूमिका आपकी रहने वाली है। इसलिए मैं थोड़े से शब्दों में ही पूरी युवा मोर्चे की टीम का, जिन्होंने आज आप सबको बुला के बड़ी सदस्यता अभियान जो अभियान आज चलाया है, इसके लिए मैं पूरे युवा मोर्चा के बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। और आने वाले इस विधानसभा के चुनाव में हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बने, इसके लिए हम सब जुड़ेंगे। इसलिए आप सब से निवेदन करूंगा, एक बार जयकारा लगाएं, तीसरी बार नायब सरकार, तीसरी बार जोश के साथ बोले, तीसरी बार नायब सरकार, तीसरी बार भारत माता की, भारत माता की। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।